लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं सभा को। बस उत्तर प्रदेश की है, लेकिन हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे वह 17 थे, तो शेष 7 को उत्तर प्रदेश शासन अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ करके उनमें वही हम लोगों ने मॉडल उसको लागू किया है जो स्मार्ट सिटी मिशन का है, और उन पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। और यही कारण है कि हम लोगों ने कन्वर्जेंस का सहारा भी लिया, और इसलिए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भी चयन किया गया। हमारे 60 शहर अमृत योजना से आच्छादित हैं, और इस पर तेजी के साथ वर्तमान में कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड जो प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किए थे, उनमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, इन सभी नोड पर हम लोगों के पास पर्याप्त लैंड बैंक है। अलीगढ़ में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री जी के कमलों से प्रारंभ भी किया जा चुका है। अभी झांसी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ। देश की ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई लखनऊ के लिए, यहां पर 200 एकड़ लैंड हम लोगों ने पहले ही इस मिशन के लिए उपलब्ध करवा दी है, और इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पास अन्य तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बना पाए थे, और 2017 से लेकर के अब तक हम लोग 33 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेज हम लोग विगत वर्षों में प्रारंभ कर चुके हैं, और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हमारे युद्ध स्तर पर कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। यानी वर्तमान में हम 75 में से हमारे 59 ऐसे जनपद हैं जहां पर एक न एक मेडिकल कॉलेज है। जो 16 जनपद बचे हैं उन 16 जनपदों के लिए हम लोगों ने अब पीपीपी मोड पर एक नई स्कीम निकाली है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की ही तर्ज पर राज्य सरकार वहां पर निवेश की उन तमाम संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे हर जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज हो और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवा सकें। प्रदेश में इस दौरान 2 एम्स भी बनकर के तैयार हुए हैं। तो जीपीएम गति शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ, और इसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया कि किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है, किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में मौजूदा सरकार ने काम किया है। तो तमाम जो है उस तरह की उपलब्धियां गिना रहे हैं, और लगातार खबरों का सफर हमारे साथ जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।